ত্রিপুরা বনাম চণ্ডীগড়ের মধ্যে চার দিনের রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে ম্যাচ। 2022-23 মৌসুমে এর আগে তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে পরাজিত ও দুইটি ম্যাচ লিড নিয়ে ড্র করেছে রাজ্য দল। সোমবার চণ্ডীগড় ও ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা ম্যাচের আগে অনুশীলন সেরে নেয় এমবিবি স্টেডিয়ামে। আসরে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে রাজ্য দল চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামবে। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि इस मैच में हम 6 से 6 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड द वेदर होल्ड्स। अगर पूरा चार दिन का मैच होगा और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं तो आशा करते हैं कि 6 पॉइंट हम इस मैच में ले सकते हैं। हमको कम से कम अब ये चार मैच में से 2 मैच तो 6-6 पॉइंट का लेना होगा तो ही नॉकआउट क्वालिफाई करने का एक चांस है। गुजरात के अगेंस्ट बड़ा अच्छा मौका था 6 पॉइंट लेने का, बट अगेन एक सेशन पूरा खराब हो गया फॉक की वजह से, वो नहीं कर पाया। पंजाब में ऑलमोस्ट एक दिन पूरा खराब हो गया वेदर के वजह से। तो आशा करते हैं वेदर स्टेज होल्ड होता है और पूरा गेम हो जाए, चार दिन का फुल मैच होगा तो हम 6 पॉइंट के लिए प्रेस करेंगे। हमें अच्छा खेलना होगा। चंडीगढ़ की टीम मोस्टली पंजाब के प्लेयर्स हैं, अच्छा टीम है, बट हमारा मोमेंटम अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, बॉलर्स हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि इस मैच में भी अच्छा करेंगे और जल्दी से जल्दी आउट करके फिर एक लीड लेके उनको सेकेंड इनिंग्स में आउट करने के प्रयास करेंगे।